फोरलेन सड़क के निर्माणाधीन पुल संख्या 21 पर दर्दनाक हादसा। पैनल के गिरने से एक बच्चे की मौत और एक हुआ घायल। कटिहार जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के ताजगंज चिलमारा में फोरलेन सड़क के निर्माणाधीन 21 नवंबर पुल पर पैनल के नीचे दबने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार की शाम 5 बजे के आसपास की बताई जाती है। मृतक बच्चा ताजगंज चिलमारा के रहने वाले साबिर अंसारी के 5 वर्षीय पुत्र शाहरुख अंसारी हैं, जबकि घटना में घायल बच्चे का नाम अरबाज अंसारी है, जो गांव के ही शमशाद अंसारी का 4 वर्षीय पुत्र बताया जाता है। घटना को लेकर मुफसिल पुलिस को सूचना दे दी गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार की शाम 5 बजे के आसपास दोनों बच्चे खेलने के क्रम में निर्माण के पैनल के पास पहुंच गए और खेलने के क्रम में एक पैनल अचानक बच्चे के शरीर पर गिर पड़ा, जिसे पैनल के नीचे दबने से 5 वर्षीय तारिक अंसारी की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचकर बच्चे को बचाने का प्रयास किया, मगर भारी पैनल टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद आनन फानन में बगल से जेसीबी मंगाया गया और पैनल को जेसीबी के माध्यम से उठाया गया, मगर तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल था, जिसे तुरंत कटिहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान कर्मियों की लापरवाही से घटित घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष भी देखा गया। खबर प्रेशर तक घटना की सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची थी। ये इधर लॉक नहीं है, इधर लॉक है, ये पूरा लापरवाही का काम किया हुआ है पूरे। देखिए आप गिरेगा क्यों नहीं, पूरे यहाँ से वहाँ तक, वहाँ तक पूरे यही लॉक नहीं लगा हुआ, यही लॉक नहीं लगा, इसीलिए ना यही लॉक लगा हुआ है। उस तरफ नहीं, नीचे में भी कुछ नहीं दिया हुआ। उधर से रास्ता से गुजर रहा था बच्चा, वो ऐसा डिजाइन से किया है कि लापरवाही करके बच्चा बगल से जा रहा था, पार गिर गया करीबन 5 बजे। और बच्चा ऐसा काम आगे नहीं होना चाहिए और बढ़िया से उन लोग को करना चाहिए। और डीएम साहब को बोलते ऐसा घटना कारण है कि लापरवाही काम करता है ये लोग। डीएम साहब से कहना यही है कि लापरवाही को बढ़िया से करवाए। साबिर अंसारी रहने का था, कौन है आपका? मेरा बेटा है शाहरुख अंसारी, चिलमारी ताजगंज चिलमारा। उधर पुल के उधर बच्चे भी पार गिर गया था, वही हल्ला सुने तो हम लोग इधर से दौड़े हुए गए। जाने के बाद देखे कि दोनों बच्चा मतलब कि उसके अंदर दब गया था, तो बहुत आदमी कोशिश किया निकालने के लिए मगर नहीं निकला। और ऐसा मतलब कि फोर लाइन के तरफ मतलब कि बहुत लापरवाही है, वो लोग अच्छे से ढंग से काम नहीं किया है, जो इसका अंजाम ये 2 बच्चा घटना हुआ है। एक तो पूरा जान से चला गया है, एक को मतलब कि हल्का फुल्का चोट आया है, उसका इलाज उलाज अभी हुआ है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोगों को सब कहा जाए कि अच्छे से अब काम किया जाए और जो होगा मुआवजा मतलब कि उन लोग पे कुछ कड़ा डोज दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशबू खातून है, ताजगंज चिलमारा। बच्चा वगैरह जो घटना हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो पुल के नीचे फोर लाइन, यही गांव काफी के गांव। जी हाँ, ये 21 नंबर फ्लाई ओवर पुल बन रहा है यहाँ, यहाँ से बच्चा गुजर रहा था साइड से, वो फ्लाई ओवर गिर के बच्चा दब गया उसमें। उसके दबने के बाद उसको 2 आदमी देखा, देखने के बाद उसको उठाने की कोशिश किया, नहीं उठ पाया। बाद में फिर हल्ला किया, ग्रामीण जाके बच्चा को निकाला खींच के, उसमें से एक बच्चा बच गया, एक बच्चा डेड हो गया उसी टाइम। ये फोर लाइन में, फोर लाइन 21 नंबर पुल के पास, गांव का क्या नाम? ताजगंज चिलमारा। बच्चा का पिता का क्या नाम? साबिर अंसारी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं यही कि गरीब परिवार का है, उसको कुछ मुआवजा मिल जाए। क्या नाम है? आलम अंसारी। R9 भारत के लिए कटिहार से रिपोर्ट।